सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द रॉ व्लॉग्स। और अब भैया एक लास्ट वीडियो थी हमारी, कौन सी, जिसमें हमने पैंथर पे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जॉस्ट दिखाए थे। अब पैंथर था 2017 का मॉडल, 2023 का मॉडल जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। अब ये BS6, और BS6 के मैं जो मानता हूँ उसमें ये मानता हूँ कि थोड़ा सा मेरे को लगता ना कि वो रॉ पावर नहीं है, बट पावर बहुत है। तो हम जो है एक लेके आए हैं आपके लिए एग्जॉस्ट का खजाना। आप देख सकते कितने सारे एग्जॉस्ट है हमारे पास यहाँ पे। एक्रा ले लो, एस्टल ले लो, क्या बोलते हैं, एसी ले लो। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस हियर। ओके, जो एक एक करके बाइक पे लगाते हैं और आपको आवाज सुनाते हैं, तब आप डिसाइड करना कि किसकी आवाज बहुत अच्छी है। सबसे पहला एग्जॉस्ट जो है वो एसी प्रोजेक्ट का कार्बन डिप है, और जो कि इस बाइक पे यूज ही हो रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले इसकी आवाज सुनेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे और एग्जॉस्ट की आवाज सुनेंगे। तो लेट्स गो। ये इसकी साउंड है। ओके, सो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्जॉस्ट की ओर। ओके, सो ये एक्रा, और एक्रा विद डीबी क्लियर है, तो हम इसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होगा और बहुत ज़्यादा सूदिंग आवाज देगा। तो लेट्स गो। नाइस, बहुत सूदिंग आवाज है इसकी। ओके, सो हम फिर से एक्रा लगा दिया और हमने सीधा बाइक स्टार्ट करी है, क्योंकि हम डीबी क्लियर के साथ भी दिखाएंगे। और सबसे मेन एक्रा की इसकी खास बात ये है कि ये लॉन्ग कैन है, और जो लॉन्ग कैन होती है जो भी, उसमें बेस ज़्यादा आता है हमेशा। ये था एक्रा विद डीबी किलर लॉन्ग कैन। लेट्स हेयर द साउंड विदाउट डीबी किलर। और जो हमने अब डीबी किलर निकाल दिया, अब आवाज़ सुनते हैं लॉन्ग कैन की। फ्लेम भी मार रहा है और इतना लाउड है। ओ गॉड, अब हम किस में, सबसे शॉर्ट कैन में, और ये सबसे लाउड कैन है। हमने पिछली बार भी जब ये पैंथर पे लगाया था ना, तो भैया कान गूंज गए थे, और अभी कान फिर गूंजने वाले। टाइम फॉर अ ऑस्ट्रियन रेसिंग। लाउड है भाई, लाउड है। अरे बहुत बढ़िया यार, ये वाला किसी को बहुत लाउड साउंड चाहिए ना, गो फॉर दिस एग्जॉस्ट। आग बंद कर। ओके, सो एक और एग्जॉस्ट आ गया यहाँ पे, जो कि योशिमुरा जापान का, और ये विद डीबी किलर है, तो मैं इसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बहुत सूदिंग साउंड देगा। तो लेट्स सी क्या साउंड ये प्रोड्यूस करता है। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्वक आवाज़ है। अब हम इसका डीबी कलर निकाल। ओके, सो अब डीबी कलर जो है मेरे हाथ में है, तो अब आवाज़ सुनते भाई। भाई साहब, जापनीज बाइक में जापनीज एग्जॉस्ट क्या साउंड दे रहा है, सबसे सूदिंग आवाज़ मेरे को अभी इसी की लगी। अब भाई आती है उस एग्जॉस्ट की बारी, जो हमारा इमोशन है, जो कि हमारी बाइक क्रैश से पहले हमारी बाइक पे लगा हुआ था, और इसकी आवाज़ तो भैया 2017 में तो बहुत ही ओपी आती थी। अब 2023 में देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी आती। ये तो सेम आवाज़ है जो लास्ट टाइम मैंने सुनी थी। भाई ये वो साउंड है जो कि ना, ये मैं तब लगाता जब मेरे को स्पीडिंग करनी होती, ये बहुत प्यारी आवाज़ है। अब इसके बाद फिर हम जाते हैं एक्रा पे, और ये भी एक्रा था, ये था कार्बन फाइबर। ओके, सो अब बारी है सबसे सुपर लॉन्ग कैन की, ये सबसे बड़ी लॉन्ग कैन है हमारी यहाँ पे, जो है लियो वेंसी। अब हम इसकी आवाज़ सुनते हैं, और आई होप इसकी आवाज़ जो है बहुत सूदिंग आए, एक्सपेक्टेशन तो यही है। हाँ
भाई साहब बहुत सूदिंग आवाज। ओके सो ये वाला जो एग्जॉस्ट है जो कि कार्बन डिप्ड है, ये है योशिमुरा अल्फा, और पिछला वाला योशिमुरा बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा होगा। भाई बहुत ही बढ़िया, कान फाड़ कान फाड़। चेंज एक और बार करो यार। एक और जो नेक्स्ट साउंड है वो है एसी प्रोजेक्ट अगेन, और इसकी साउंड जो आएगी काफी सूदिंग आएगी, सुनो एक बार। इसकी भी कैन सेम है जैसी हमने पिछली वाली सुनी, लेकिन आप देख सकते हो इसने पटाखे भी कम मारे और इसने फायर फ्लेम्स भी बहुत कम मारे, तो ये बहुत सूदिंग आवाज़ प्रोड्यूस करता। ओके सो अब नेक्स्ट एग्जॉस्ट से मेरे भैया बहुत सारे इमोशन जुड़े, जो मेरी पिछली पैंथर थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें लगा हुआ था ये वाला एग्जॉस्ट, आवाज़ बहुत अच्छी प्रोड्यूस करता है। ओके सो इसी इवनिंग का लास्ट एग्जॉस्ट है, लॉन्ग कैन है, लियो वेंसी अगेन, और बारिश भी सही टाइम पे आई है जो हमारा लास्ट कैन बचा है अभी ट्राई करने के लिए, तो लेट्स गो। ओके सो ये था लास्ट एग्जॉस्ट। ओके सो भैया अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी पैंथर कब आएगी और मैं इन 11 एग्जॉस्ट में से कौन सा एग्जॉस्ट उसमें लगाऊंगा। लेट्स सी हम कौन सा एग्जॉस्ट उस पर लगाते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। एग्जॉस्ट की साउंड हो गई है सारी, और नए एग्जॉस्ट आएंगे हम आपको वो भी दिखाएं, लेकिन अभी बात करते हैं एग्जॉस्ट का क्या सीन है और ये मिलेंगे आपको कहाँ से। और जो भैया खड़े खड़े इतने एग्जॉस्ट टेस्ट करवा के, हम तो भैया थक गए थे इसलिए हम आगे बैठ गए हैं, और ये बस सेल ही सेल है हमारे सामने बहुत सारी, ठीक है। तो ये जो सारा माल है ये एग्जॉस्ट ही नहीं है, बहुत कुछ है, जो बाइक का मांगोगे जिस बाइक का मांगोगे वो मिल जाएगा। वो मिलेगा कहाँ पे? कस्टम मोटो शॉप। सो भाई क्या सीन है एग्जॉस्ट वगैरह का? तो गाइस हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं 2000 से, एंड प्राइसिंग की बात करें तो कोई अंत नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल भी अवेलेबल हो जाएंगे ऑन ऑर्डर, जो आप चाहो जो सी मर्जी बाइक हो। और एक्सेसरीज में क्या क्या अवेलेबल होगा? एक्सेसरीज में हमारे पास मोस्टली सारी एक्सेसरीज होती है बाइक्स की, एग्जॉस्ट आपका, फुल सिस्टम्स हो गए, रेडिएटर ग्रिल्स, विंडशील्ड, जो बेसिक एक्सेसरीज होते हैं सारी है। और कोई भी लोकल नहीं होगी, खास बात ये है सब कंपनी की होगी, और कंपनी से आके आपकी बाइक में लग जाएगी यहीं पे, कहाँ पे? रोहिणी सेक्टर 15 में। पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और नंबर भी मिल जाएगा किसका, अंशुल का। परेशान कर दो, आधी रात को फोन करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो कि भाई ये एग्जॉस्ट लगवा सकता हूँ मैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फोन करो, ठीक है। तो भैया अगर ये वीडियो देख के बंदे आते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो हमारी बहुत ही अच्छी गई है, कैसा लगा पहले बताओ? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, थैंक यू, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। अच्छा तो मेरे को बताओ कि हमारी साइड से कोई भी आता तो उनको क्या है डिस्काउंट मिलेगा? भाई आपका रिगार्ड रहेगा भाई के चैनल से जो भी आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को ये दिखाना पड़ेगा आपने सब्सक्राइब कर रखा है, ओके, देन उसके बाद उस पर लाइक होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल गिव यू अ गुड डिस्काउंट, ओके। सो भैया ये है सारी चीज़ें, हमारे पास हेलमेट भी अवेलेबल है, बैग भी है, सब है। आप जो बोलोगे जस्ट DM कस्टम मोटर शॉप, या फिर आप उनको कॉल करो, व्हाट्सएप करो, हर तरीके से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ऑर्डर नाउ। ओके सो लेट्स एंड दिस वीडियो। जय वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऑलवेज गुड क्वालिटी हेलमेट्स एंड ऑलवेज सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। ओके सो पीस।